हेलो ओके हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज के सेशन हमारा प्रीवियस सेशन का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के बारे में जान रहे थे और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर का एनालिसिस किया था कि एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर का बॉन्ड डायग्राम कैसा होता है बैंड डायग्राम कैसा होता है उसको किस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं जितने अच्छे से आप सेमी को विजुलाइज करेंगे ना उतना आपका कंसेप्ट दिन ब दिन बेहतर होगा उसमें हम लोगों ने कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स भी रखे थे और वो कंक्लूडिंग पॉइंट्स थे कि हमारे एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब आप जीरो केल्विन में रखते हैं तो वो इंसुलेटर होता है और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम में एक और नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है इन गैप जहाँ पर हमारा एनर्जी गैप है और उस नए एनर्जी लेवल को हम डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं EDC के वो सारे का प्ले जो है वो गेट अकेडमी के YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप जाइए यहाँ से प्रीवियसली जो भी लेक्चर हुआ है टिल ट्वेल्थ लेक्चर तक सारा कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा बस आप उसको देख के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए एक एक करके पढ़ते जाइए अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और अगर आप फाइनल ईयर में हैं प्री फाइनल ईयर में हैं और पास आउट हैं तो फटाफट फड़ से आप उसको ग्रैप कीजिए और जुड़ जाइए आज के सेशन में अगर आप वहाँ तक नहीं देखें और जो स्टूडेंट मेरे प्रीवियस सारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको तो बेहतरीन मज़ा आ रहा होगा मैं ये उम्मीद करता हूँ और वो आगे भी कनेक्ट होना पसंद करेंगे मेरे से ठीक है तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि दो दिन का एक्सक्लूसिव गेट और आईको गेट आइकॉनिक में ऑफ़र दिया जा रहा है सिर्फ दो दिन के लिए है ना यहाँ पे ऑफ़र क्या है टेन परसेंट प्राइस ड्रॉप ऑन नाइन्थ एंड एटीन मंथ आइकॉनिक तो नाइन मंथ का और एटीन मंथ का जो हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें टेन परसेंट का प्राइस ड्रॉप आपको मिल रहा है फ्लैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एंड फ्री एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहा है तो ये जो आइकॉनिक है ये क्या है ये एक ऑनलाइन क्लास है जिसमें आपके पास दो प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस आपको अनएकेडेमी के प्लेटफॉर्म में मिलते हैं एक प्लस और एक आइकॉनिक इसमें बेनिफिट क्या है जैसे कि प्रिंटेड नोट्स एंड पी वाई क्यू वर्थ थर्टीन के का ये सिर्फ़ और सिर्फ आइकॉनिक में मिलता है वन टू वन लाइव मेंटरशिप ये सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक में मिलता है कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक में मिलता है और नाइन प्लस टू फ्री मंथ प्राइस जो है वो दोनों का आप कंपेयर कर सकते हैं कितना अंतर है और 18 प्लस थ्री फ्री मंथ अगर आप नाइन मंथ के लिए या फिर 18 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नाइन मंथ में दो महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है और एटीन मंथ में तीन महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है और जिसकी प्राइस अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है आप देख सकते हैं इसको है ना मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो थर्टीथ जून तक सिर्फ ऑफर है मतलब कल तक और आपको सब्सक्राइब करने के लिए यूज करना है जी ए डबल वन डबल वन कोड तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां पे आपको जैसे कि मैंने प्राइस ड्रॉप के बारे में बताया उसी प्राइस ड्रॉप के बारे में डिटेल यहां पर दिया गया प्लस और आइकोनिक में आप बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑल स्टार बैच का नाम है या फिर फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट के लिए ई के लिए पी के लिए तो ट्वेंटी और 2025 के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं 30 जून 2023 तक ये ऑफर वैलिड है तो यहाँ प्लस का देख सकते हैं नाइन प्लस टू मंथ फ्री दिया जा रहा है और आइकॉनिक ये अठारह मंथ के प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी तीन मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया जा रहा है और अगर हम लोग आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक में नाइन और एटीन मंथ दोनों में टू और थ्री मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बेनिफिट दिया जा रहा है तो आई होप कि अगर आपने ग्रैब नहीं किया है तो ये ऑफर बहुत सही ऑफर है और ये थर्टींथ जून तक है दो दिन के लिए बचा हुआ है तो आज का दिन तो गुजर गया समझ लीजिए अभी आप ले लेते हैं तो ले लीजिए नहीं तो कल का दिन एक बचा हुआ है और यहाँ पे जी वन डबल वन डबल वन आइए आपका कोड होना चाहिए जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ठीक है आगे हम लोग बात करें कि गेट ए के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस एंड क्लासेस फाउंडेशन हो या फिर आपने ऑल स्टार बैच ज्वाइन किया हो इन क्लास डाउट सॉल्विंग आपको मिल जाएगा एक्सेस टू डिजिटल नोट्स होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स पी ये सारी चीज आपको मिल जाएगी एक्सेस टू फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए हमारे लास्ट ईयर के टॉप रैंकर्स हैं जिनकी पिक्स यहाँ पे लगी हुई है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस तरीके से पढ़ाई करें कि आपकी पिक भी यहाँ पे लगाया जाए आपके बारे में भी लोग बाग बातें करें ठीक है और ऑल स्टार बैच जो है वो हमारा जून थर्टी तो को स्टार्ट हो रहा है और ये बैच में इलेक्ट्रॉनिक्स में बैच जी स्टार्ट हो रहा है जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चलेगी जी ए डबल वन डबल वन कोड है और फाउंडेशन में जून सिक्सटीन से क्लासेस स्टार्ट हो चुका है इसमें बैच ए अभी स्टार्ट हुआ है जिसमें दो सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है एक सिग्नल सिस्टम एक चल रहा है एक नेटवर्क थ्रोरी चल रहा है जी ए डबल वन डबल वन कोड आप अगर आप यूज़ करके ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे क्लासेस का रिकॉर्डेड फॉर्म भी मिल जाएगा इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल में बैच जी और इलेक्ट्रिकल के फाउंडेशन में बैच ए स्टार्ट हो चुका है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिकल के बंदे यहाँ पे हैं आइकॉनिक में ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं ये प्रिंटेड नोट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे और ये आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा प्रिंटेड नोट्स विद इन फिफ्टीन डेज आपके घर पर इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही प्रिंटेड नोट्स है विद इन फिफ्टीन डेज आपको होम डिलीवर्ड किया जाएगा अगर आप ऑफलाइन से पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन का भी एडमिशन ओपन है ऑफलाइन में आप ज्वाइन कर सकते हैं टिल थर्टींथ जून तक एडमिशन अभी भी ओपन है और मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन में एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है थर्टिंथ ऑफ तो जून से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का और अगर आप फाइनेंशियली चैलेंज है तो आप ई में अपने कोर्स बुक बुक कर सकते हैं ना तो जीरो परसेंट इंटरेस्ट ये खास बात है कि जीरो परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है यहाँ पे अप्रूवल टू ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगा बाकी सारी चीजें फ्लेक्सिबल है इसके अलावा गेट एकेडमी का रिकॉर्डेड कोर्स जो कि प्राइम है जिसमें वीडियो कोर्स मिलेगा वर्कबुक का हार्ड कॉपी मिलेगा पीडीएफ मिलेगा वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम टू आपके पास बुक्स मिल जाएगा टू मंथ का एक्स्ट्रा वेलिडिटी मिल जाएगा स्मार्ट कोर्स जिससे आप रिविजन कर सकते हैं वो मिल जाएगा और डोपामाइन फ्री मिल जाएगा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा ये थर्टीन जून तक मिलेगा ये इस प्राइस अमाउंट पे थर्टीन जून तक मिल जाएगा लेकिन थर्टींथ जून के बाद अगर आप ऑप्ट करते हैं इस चीज़ को तो आपको ना ये जो येलो पार्ट है ये नहीं मिलेगा सिर्फ आपको ये वाइट वाला पार्ट जो है मिलेगा मतलब वीडियो कोर्स मिल जाएगा वर्कबुक हार्ड कॉपी प्लस पी मिल जाएगा और वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मिल जाएगा इसको आप गेट अकेडमी के वेबसाइट जे गेट अकेडमी से बुक कर सकते हैं तो ये गेट एकेडमी का प्राइम कोर्स है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेस चलिए अब हम चले जाते हैं हमारे सेशन में और इस सेशन में हम बाकी सारी चीजें स्टार्ट करते जो हमारा बचा हुआ है तो क्या बचा हुआ है सर आपने एन टाइप के सेमी कंडेक्टर का एनालिसिस करवा दिया था अब बचा हुआ है तो पी टाइप का सेमी कंडेक्टर बचा हुआ है तो चलिए जल्दी से हम लोग पी टाइप के सेमी कंडेक्टर का एनालिसिस करते हैं अगर आप इस वीडियो में हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर की पूरी कहानी आपके सामने रखता हूँ तो मैं यहाँ पे एक पी टाइप का ऑलरेडी मैंने एन टाइप के सेमीकंडक्टर का पूरा एनालिसिस करवा दिया है उसके बॉन्ड डायग्राम बैंड डायग्राम कंडक्टिविटी के बारे में पूरा डिस्कशन कर रखा है अब हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनता कैसे है ये बनता है आपके पास सिलिकॉन होना चाहिए तो ये होगा आपके पास सिलिकॉन का इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एक्चुअली सिलिकॉन का मतलब क्या है कि आपके पास ना एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर सबसे पहले तो ये होना चाहिए और उसमें आप करेंगे डोपिंग इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पहला होगा उसमें आप करेंगे डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज लेकिन अब जो इंप्यूरिटी आप ऐड करेंगे वो इंप्यूरिटी होगा आपका एक्सेप्टर एटम्स का इंप्यूरिटी तो आपको यहां पे ऐड करना है एक्सेप्टर एटम्स का इंप्यूरिटी अब ये एक्सेप्टर एटम क्या है ये वो एटम्स है जो इजली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे पास एक सेमी कंडेक्टर की स्टडी में एक्सेप्टर एटम्स जो है वो थर्टींथ ग्रुप के एलिमेंट्स है अगर आप प्रियोडिक टेबल देखेंगे तो प्रियोडिक टेबल के थर्टींथ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि एग्जाम्पल क्या क्या है तो थर्टीन ग्रुप में हमारे पास है एल्यूमिनियम है ना और उसके साथ साथ है बोरोन बोरोन को मत भूलिए बोरोन है एल्यूमिनियम है इसको हम ऐड करेंगे और गैलियम है और हमारे पास क्या है और इंडियम है ये हमारे पास है इन सब की खास बात ये है कि इन सब में ना इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मैं यहां पे लिख दिया कि आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहां पे अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो यहां पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन जनरल आपको सिलिकॉन का पता है कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है तो इसके इसके जब भी जब भी इसमें से कोई एक एटम आएगा उस पर्टिकुलर एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोअल एंड बॉन्ड पूरी तरह नहीं बन पाएगा इसको हम विजुलाइज करेंगे है ना विजुलाइज करने से पहले आपको थ्योरी बता दूं तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें से मैंने एल्युमिनियम को सेलेक्ट किया कि भाई मैं एल्यूमिनियम के एटम्स को डोप करूंगा है ना एल्यूमिनियम के एटम को डोब करूंगा तो एल्यूमिनियम के एक एटम के बारे में कहानी बोले कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर अगर हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है थर्टीन ठीक है तो थर्टीन का मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के बारे में हम बात करें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सिलिकॉन का तो मैंने आपको कई बार बता दिया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s2, एस देन हम लिखेंगे 2s2, एस टू देन टू ये 10 हो गया फिर हमारे पास है 3s2 और 3p1। अगर आप देखेंगे कि ये लास्ट वाला शेल है इसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है ध्यान से देखेंगे तो ये दो है और एक है टोटल तीन इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब है कि तीन इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में हैं तो इसका कोवल बॉन्ड कंप्लीट नहीं बन पाएगा चलिए अब कोअल बॉन्ड बना के देखते हैं सबसे पहले तो ये बोला गया कि भाई हमारे पास सिलिकॉन है है ना इंट्रेंसिक में हम एक्सटेंसिक मटेरियल को डोप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए हम कुछ एटम्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं भाई ये सिलिकॉन ये सिलिकॉन ये सिलिकॉन ये सिलिकॉन मैं क्या बना रहा हूँ मैं बॉन्ड डाइग्राम बना के देख रहा हूँ तो यहाँ पे सिलिकॉन का सेमी मेरे पास पहले से तैयार था और ये सिंगल क्रिस्टल है इसलिए सारे आइटम्स जो है एकदम डिसिप्लिन ऑर्डर में सही जगह पर प्लेस्ड है तो मैंने सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को बनाने के लिए चार चार इलेक्ट्रॉन सभी सिलिकॉन एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे प्लेस कर दिया इसके बाद में एक एल्यूमिनियम एटम को इसमें डोब करके आपको दिखाऊंगा कि उसके आने से क्या फ़र्क पड़ता है तो पहले तो ये सब इंट्रेंसिक ही होता है सभी सेमी बेसिकली इंट्रेंसिक से ही अपनी शुरुआत करते हैं तो ये आपके पास एक इंट्रेंसिक सेमी तैयार हो गया अब इसमें हम कोवलेंट बॉन्ड को बना देंगे जैसे ये आपका एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया ये कोवलेंट बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कोई ये बोल सकता है सर यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन्स है इसके बाजू में एटम को मैंने नहीं बनाया इसलिए उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स को भी नहीं बनाया वनना हर कोवलेंट बॉन्ड में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस आर ऑल कोवलेंट बॉन्ड विच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन इट ये सभी के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे अवेलेबल है ठीक है तो ये मैंने बना दिया ऐसा दिस इज ऑल द थिंग्स डेट हैज बीन ड्रॉन ठीक है ये मैंने बना दिया ऐसा तो ये हमारे पास काफी सारे एटम्स हैं और उन सभी एटम्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और ये बॉन्ड डायग्राम है किसका है? इंट्रेंसिक का तो मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज नथिंग बट बॉन्ड डायग्राम तो ये हमारे पास बॉन्ड डायग्राम है आप बॉन्ड डायग्राम तो आप समझते होंगे क्योंकि मेरे प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने अटेंड किया है तो ये बॉन्ड डायग्राम वर्ड जो है वो आपको क्लियर रहता है राइट right? तो मैंने बोला कि ये हमारे पास सिलिकॉन का बॉन्ड डायग्राम है सभी सिलिकॉन के एटम्स हैं तो यहां पे हम काम करते हैं कि एक एल्यूमिनियम एटम के आउटर मोस्ट के साथ यहां पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं तो मान लीजिए ये हमारे पास एल्यूमिनियम का आइटम है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने यहाँ पे येलो कलर के तीन इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन है uh फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं था तो अब हमको क्या करना है वाट वी हैव टू डू हेयर कि इसको उठाना है और इसके अंदर प्लेस करना है कुछ ऐसा अगर इसको उठा के हम लोग इसके अंदर प्लेस किए तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो सिलिकॉन का आइटम है इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि तो अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम आइटम आ गया तो सिलिकॉन तो हट जाएगा तो मैं यहाँ से सिलिकॉन को, तो को हटा देता हूँ और एल्यूमिनियम को प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या हालत होगी वो देखते हैं तो अब आपको दिख रहा होगा कि सर यहां पे ये यह जो है ये आपके पास एल्युमिनियम का आइटम है और इस एल्यूमिनियम के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे तीन इलेक्ट्रॉन्स है तो चौथा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा यस सायर मील या या या, ठीक है सभी लोग क्लास अटेंड कीजिए तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपके पास क्या है दिस इज द एल्यूमिनियम एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में एल्यूमिनियम एटम है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे तीन इलेक्ट्रॉन्स है तो तीन इलेक्ट्रॉन्स ये येलो कलर के इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसका मतलब है फोर्थ इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से यहां पे कोवालेंट बॉन्ड भी तैयार नहीं होगा तो कोवालेंट बॉन्ड तैयार नहीं होगा तो होल्स नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमको होल कहां मिलता है कोवाल बॉन्ड के अंदर तो कोवाल बॉन्ड तो रेडी नहीं हुआ बाकी आप देखेंगे तो ये कंप्लीट है कोवालेंट बॉन्ड ये वाला भी कंप्लीट है और ये वाला भी कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि सर आप जो टेम्परेचर में ये सारा वर्क कर रहे हैं ये ज़ीरो कैलविन पे होगा हाँ जीरो कैलविन में है इसलिए तो आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है लेकिन एक बात और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कई सारे जगह पे आपको यहाँ पे होल बना के दिखा देगा कि दिस इज़ होल और ये कोअलेंट बॉन्ड है अरे नहीं भाई किसी वेकेंट एनर्जी स्टेट्स के साथ कभी भी कोवालेंट बॉन्ड नहीं बनता तो ये बात गलत है कि यहाँ पे कोवालेंट बॉन्ड बनेगा ये बात गलत है भाई तो इनिशियली जीरो केल्विन पे ना तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तो आपके पास यहां पे कोई होल होता है ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तो होल्स होता है एक एक एनर्जी स्टेट होता है जो कि वेकेंट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स आके रिसाइड कर सकता है लेकिन कोअल बॉन्ड नहीं बनता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्योंकि एल्यूमिनियम के पास मात्र तीन इलेक्ट्रॉन्स है अब इसी का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं उससे आपको और भी क्लियर होगा तो अब मैं इसी ज़ीरो कैलवीन में एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है एनर्जी बैंड डायग्राम में यहाँ पे बनाऊँ और ये जो है ये जीरो कैलवीन में प्लेस्ड है कौन आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर? पी टाइप का सेमीकंडक्टर जीरो कैलविन में प्लेस्ड है ये भी पी टाइप के सेमीकंडक्टर का ही बॉन्ड डायग्राम तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है जिसका बॉन्ड डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है राइट राइट ठीक है बेटा सर आई हैव एट सेमेस्टर वन सब्जेक्ट इज़ बैक एंड माय गेट मार्क्स इज थर्टी सिक्स ई सी ब्रांच वाट शुड वी डू सर इन दिस सिचुएशन सब्जेक्ट बैक है तो आप क्या कर पाओगे बेटा सब्जेक्ट पहले निकालना है क्योंकि अगर आप पी में जाए या फिर एम करने के लिए जाओ तो आपका ऑल क्लियर होना चाहिए है ना जब तक आपको एम टेक टेक की डिग्री नहीं मिलेगी आपको ना एम करने को मिलेगा ना तो पी करने को मिलेगा तो कोशिश कीजिए कि अगर किसी कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं वैसे भी 36 मार्क्स में तो पी नहीं मिलेगा एम हो सकता है आपका तो कोशिश कीजिए कि टाइम पे आप क्लियर कर ले सारे सब्जेक्ट्स है ना और कोई रास्ता नहीं है सबसे पहले बी होता है फिर एम होता है या फिर पी होता है तो आपका बी जो है वो कंप्लीट नहीं है उसको पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ठीक है और आप अगर गेट स्कोर को यूज करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर तो इसकी वैलिडिटी तीन साल की होती है तो अगर आप अपना बीटेक क्लियर कर लेंगे तो आपका ये जो गेट स्कोर है वो अगले साल भी यूज हो सकता है है ना या फिर विंटर एडमिशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं ये भी प्रोविजन है है ना ओमकार है ना ये आपको मैंने सजेस्ट कर दिया तो यहां पे एनर्जी बैंड डायग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम जो कि जीरो कैलविन में है पी टाइप का सेमी है आपके पास तो चलिए यहाँ पे हम बना के देखते हैं सबसे पहले तो तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम के दो लकीरें जिसमें एक जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है क्या एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका बैलेंस बैंड है और ये आपका कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट एनर्जी स्टेट से जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे दिस इज गिवन बाय ई और ये आपके पास ई है हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई एनर्जी स्टेट्स वैलेंस बैंड में है या फिर कोवाल बॉन्ड के अंदर जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं आप देख सकते हैं कोवाल बॉन्ड के अंदर जितने भी एनर्जी स्टेट्स हैं वो सारे एनर्जी स्टेट्स फील्ड है मतलब क्या मतलब ये कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एनर्जी स्टेट है यहाँ पे एक एनर्जी स्टेट है यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी जितने भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं वहीं इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है जैसे इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत है वैसे ही इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए एनर्जी स्टेट्स की ज़रूरत है ठीक है सर एनी प्रॉब्लम एडमिशन प्रोसेस नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है तो ये हो गया हमारे पास एनर्जी स्टेट्स तो यहाँ पे भी आपके पास एनर्जी स्टेट्स बना लिया मैंने और हमको ये पता है कि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं है मतलब कंडक्शन बैंड में मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और आपने देखा कि कोवालिट बॉन्ड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है इसका मतलब है वैलेंस बैंड में जितने भी एनर्जी स्टेट है सारे एनर्जी स्टेट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहे रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने प्लेस कर दिया तो अब जो ये जो वेकेंट एनर्जी स्टेट है ये वेकेंट एनर्जी स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है सर है ना नो नो राइट नो आई एम टीचिंग इन हिंदी आई

अब ये जो एनर्जी स्टेट वेकेंट वाला है इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो एक्चुअली ये जो वेकेंट एनर्जी स्टेट है ध्यान देना मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ ये पिंक कलर का आप यहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हैं कि सर कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन से उठ के अगर इधर आना चाहे तो आ सकता है हाँ बिल्कुल आ सकता है क्यों नहीं आ सकता अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस कंडीशन में आप यहां पे देख पा रहे हैं ना कि यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन को अपना पोजीशन छोड़ के यहां आने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हाँ सर जरूर जरूरत पड़ेगी क्योंकि बिना एनर्जी को यूज किए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कोवलेंट बॉन्ड से बाहर कैसे आ सकता है इसका सीधा साधा मीनिंग मैं ये बताना चाहता हूं कि आप होल्स क्रिएट कर सकते हैं किसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उस पर्टिकुलर कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में आ जाना चाहिए मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब तक इस एनर्जी स्टेट में नहीं आएगा तब तक होल क्रिएट नहीं होगा मतलब इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में आने के लिए कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत है फाइनली मैं यही स्टेटमेंट देना चाहता हूं तो सर इस बात को आप यहां पर कैसे जस्टिफाई करोगे तो मैंने बोला कि भाई मैं यहां पर ना एनर्जी स्टेट बना दिया थोड़ा सा ऊपर किससे बैलेंस बैंड के अपर मोस्ट एनर्जी स्टेट से दोहरा हो तो यहां पर अगर मैं एक एटम को डोप कर रहा हूं तो एक एनर्जी स्टेट बना दिया जो कि वेकेंट है भाई ये वेकेंट है ये वही वाला एनर्जी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं था और इलेक्ट्रॉन आ सकता है कब आ सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का यहां से उठ के इधर आ जाए तो आप देखिए यहां पे होल भी क्रिएट हो जाएगा यही प्रोसीजर यहां पे होता है लेकिन अगर आपने यहां पे जीरो कैलविन बोला है तो जीरो कैलविन में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह पे जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत है भले ही वो मिनिमम है इसलिए मैंने मिनिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ है क्या डिस्टेंस रखा है आपने मैंने यहां पर रखा हुआ है ये हल्का सा डिस्टेंस ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है पता है आपको जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि आपके पास ई से ईवी मतलब द अपरमोस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ वैलेंस बैंड जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर या फिर वैलेंस बैंड के अंदर तो इस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से यहां ये कौन सा पोजीशन है जैसे आपने पिछले क्लासेस में डोनर एनर्जी लेवल बनाया था ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक, एक एक्स्ट्रा था किसके पास डोनर एटम के पास यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा तो हम यहां पे लिख दिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एक्सेप्टर एनर्जी लेवल मतलब एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाता है कहां पे एनर्जी गैप में कब जब हम किसी सेमीकंडक्टर को जो इंट्रेंसिक है उस सेमीकंडक्टर को डोप करते हैं एक्सेप्टर एटम से तो एक नया एनर्जी स्टेट क्रिएट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नथिंग बट एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है यहां से यहां आ सकता है बाय यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट इज़ जीरो पॉइंट जीरो फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी तो इसका मतलब ये है कि सर मैं अगर ज़ीरो केलविन की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ही है हाँ इसका मतलब है जीरो केलविन में ना तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना तो हमारे पास होल्स है कुछ भी नहीं है हाँ तो यही वो बात है जिसकी वजह से हम ये बोलना चाहेंगे कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर कंडेक्टर ज़ीरो कैलविन में एक इंसुलेटर है यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ये होल जो है वो मैंने अभी भी क्रिएट किया है क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो ये होल आया वरना ओरिजिनली में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ही रहेगा आपके पास कोई भी यहाँ पे होल्स का क्रिएशन नहीं हुआ रहेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी फ्री नहीं है कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये फ्री नहीं है क्योंकि ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर है मतलब ये बाउंडेड है ये इस पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे ये भी फ्री नहीं है मतलब इंटरेटमिक स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे हमारे पास एक वेकेंट एनर्जी स्टेट है जिस वेकेंट एनर्जी स्टेट को हम एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के नाम से जान रहे हैं तो अगर जीरो कैलविन में है तो ध्यान से आप देखेंगे कि जीरो केलविन में हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब जीरो कैलविन में हम ये बात करें कि एन की वैल्यू कितनी है जीरो और पी की वैल्यू कितनी है जीरो तो इसका मतलब है ज़ीरो कैलविन में कंडक्टिविटी जो कि एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी ये हमारा फॉर्मूला होगा ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो मतलब कंडक्टिविटी की वैल्यू जीरो है इसका मतलब है कि एक पी टाइप का सेमी एट ज़ीरो कैलवीन ध्यान से सुनना मेरी बात ब्रह्मवाक्य ये इंसुलेटर ही होता है भाई ये इंसुलेटर ही होता है ये कहीं से भी कंडक्ट नहीं करता ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज जो मैं यहां पे आपको डिक्टेट कर रहा हूं राइट जीरो केल्विन में इंसुलेटर ही होता है अब हम अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा अगर हम इसको 300 हंड्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यही बात हम 300 हंड्रेड में बात करें तो 300 हंड्रेड में क्या होगा सबसे पहले तो 300 हंड्रेड कैलविन में आपके सिलिकॉन में अपने आप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्रिएशन हो जाता है मतलब इंट्रेंसिक लेवल पे भी इलेक्ट्रॉन्स होल का क्रिएशन हो जाता है तो सिलिकॉन में एन की वैल्यू क्या आ जाएगी एन की वैल्यू या फिर पी की वैल्यू आपके पास वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर टेन पर सेंटीमीटर क्यूब अपने आप हो जाता है थ्री हंड्रेड कैलवीन में लेकिन इसके अलावा आपने इसमें एल्यूमिनियम के एटम्स भी डाले हैं एल्यूमिनियम के एटम्स भी डाले हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स के अकाउंट पे एक्चुअली में यहाँ पे एल्यूमिनियम का एटम जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन के अकाउंट कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ाता नहीं ये सिर्फ और सिर्फ पी या फिर होल्स के अकाउंट को इंक्रीज करता है वो कैसे आप देखिए क्योंकि इसका नाम एक्सेप्टर एटम है जैसे डोनर है वैसे ही एक्सेप्टर है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊँ मैंने क्योंकि जीरो केल्विन पे सारा एनालिसिस कर लिया है अब मैं यही चीज़ यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करके ये टेम्परेचर को काटे हम अगर 300 हंड्रेड करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन सोर्स तो क्रिएट होंगे ही हम बस ये देखते हैं कि ये एल्यूमिनियम क्या हरकत करेगा तो अगर टेम्परेचर दिया जाए तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस हो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस हो तो आपको क्या मिलेगा आपको यहाँ पे एक होल मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिला है फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस है 300 हंड्रेड में सिलिकॉन की तरफ से मिले गई मतलब ये ये इधर आ सकता है ये इधर आ सकता है इसके रेस्पेक्ट में आपके पास यहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे होल्स क्रिएट होंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट होगा ये तो ऑब्वियस है कि अगर सिलिकॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हमको 300 हंड्रेड कैलविन में मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते ये होल्स मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि जनरेशन का प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन 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 आपके पास ये जो एक्सेप्टर है या फिर एल्यूमिनियम का आइटम है ये इलेक्ट्रॉन को जो भी कहीं पे भी कोई पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन है उसको क्योंकि इसके पास एक एनर्जी स्टेट वीकेंड था उसको एक्सेप्ट कर लेगा <laughs> तो ये जो एटम है ये हमेशा होल को क्रिएट करके देगा क्या करके देगा ये हमेशा होल को क्रिएट करके देगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट नहीं कर पाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर पाएगा किसको सेमीकंडक्टर को लेकिन सेमीकंडक्टर को एक मोबाइल चार्ज कैरियर्स देगा डेट इज नथिंग बट द होल ये होल प्रोवाइड कर सकता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्योंकि आप डोनर एटम से डोप करते हैं इसलिए वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है लेकिन पी टाइप के सेमीकंडक्टर में क्योंकि आप एक्सेप्टर एटम से डोपिंग करते हैं तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्टर एटम है ये होल्स को क्रिएट करके देता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है जब कभी भी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एल्यूमिनियम एटम ये atom था। एटम था क्यू एटम था क्योंकि इसमें फ्री एलक... इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों का काउंट बराबर था एक एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का काउंट बराबर होता है इसलिए एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है लेकिन क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया अब ये एटम नहीं रह गया ये एटम के बदले अब ये आयोन बन गया है किस टाइप का आयोन ये एक नेगेटिव आयोन बन गया है ध्यान से सुनना मेरी बात ये एक नेगेटिव आयोन बन गया है क्योंकि इसने नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लिया या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो यही चीज हम यहां पे इस बैंड डायग्राम में भी दिखाते हैं कि अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां चला गया इसके बदले आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि एक होल क्रिएट हो गया लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता अगर कोई एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलता आपको होल जरूर मिलता है तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था सेम उसी तरीके से यहां पर होल मिल गया लेकिन थ्री हंड्रेड में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होल्स का पेयर आ सकता है मतलब क्या कि कोई और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है और अगर ये यह यहाँ चला गया तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल सकता है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होल भी मिल सकता है लेकिन आप अगर देखेंगे तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना भी क्रिएट कर लूँ लेकिन होल्स की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप जितना एक्सेप्टर एटम्स डोप करेंगे उतने एनर्जी स्टेट्स आपको मिलेंगे जितने एनर्जी स्टेट्स आपको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे मिलेंगे उतने होल्स आप क्रिएट कर सकते हो जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन भी इजली, ये इलेक्ट्रॉन भी इजली यहाँ पे जा सकता है लाइक like दिस अगर एक और एक्सेप्टर एटम आप डोप करते हो उसमें एक और वैकेंसी है तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला गया इसके एवज में आपको यहाँ पे होल मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आपको होल क्रिएट होके मिला था ना ये होल्स तो कोई और एक्सेप्ट मान लीजिए कोई और एटम है जो कि एक्सेप्टर एक्सेप्टर एटम है ये एक और एल्यूमिनियम मैंने डोब कर दिया मतलब इसके पास भी एक वीकेंसी होगी यहाँ पे और ये कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा एक वेकेंसी होगी मतलब यहाँ पे तो कोई एक कहीं का इलेक्ट्रॉन जो है जब उसको एनर्जी मिलेगी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ गया अब ये बैठ गया तो इसका मतलब है ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे चला गया एनर्जी बैंड डायग्राम में और अगर ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे चला गया तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फिर से होल क्रिएट कर दिया है तो इस तरीके से होल्स का क्रिएशन होता है होल्स बनते हैं हमको पी टाइप के सेमीकंडक्टर में तो खास बात ये है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आप देखिए होल्स जो है वो आपको दो मिल गए लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही मिला है इसका मतलब है पी टाइप सेमी में होल्स की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज्यादा होता है और कितने होल्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि आपने कितने एटम्स एक्सेप्टर के ऐड किए हैं क्योंकि जितना ज्यादा एटम आप ऐड एट करेंगे उतना ज्यादा होल्स आपको मिल सकता है क्योंकि सभी एक्सेप्टर एटम के पास एक एक एनर्जी स्टेट वेकेंट होते हैं ठीक है आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा तो अब हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर 300 केल्विन में तो वो इंसुलेटर नहीं है अगर आप 300 केल्विन की बात करेंगे तो 300 केल्विन में कंडक्टिविटी का जो फार्मूला है वो है एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी ये अगर आपका फार्मूला है तो यहाँ पे ना तो एन की वैल्यू ज़ीरो है ना तो पी की वैल्यू जीरो है ये दोनों की वैल्यू नॉन ज़ीरो है इसका मतलब है कंडक्टिविटी भी नॉन जीरो है इसका मतलब है थ्री हंड्रेड कैलवीन में आपका एक पी टाइप का सेमी कंडक्टर जो है वो आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये कैसा बिहेव करेगा ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा राइट आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा अब खास बात कुछ और भी है क्या क्या खास बात है कुछ खास बात यह है कि अगर आप एक पी टाइप की सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है ये खास बात है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो अब आपको पता चल गया होगा कि सर होल्स ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि आप जितने एक्सेप्टर एटम्स को डूब कर रहे हो उतने होल्स क्रिएट हो जाएंगे 300 हंड्रेड में लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको नहीं मिल रहे हैं उतना ज्यादा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे क्या होंगे बेटा यहाँ पे होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और होल्स के कंसनट्रेशन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर आप बात करें यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कम संख्या में होंगे ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे नहीं होगा मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं 300 हंड्रेड कैलवीन में लेकिन ये माइनॉरिटी कहलाएंगे क्योंकि इनकी संख्या होल्स की संख्या से कम होंगे तो ये कौन होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से तो एक पी टाइप के सेमी में जब आप पी टाइप के सेमी के डिस्कशन में लगे रहेंगे तो इस पी टाइप के सेमी में एन की वैल्यू पी की वैल्यू सॉरी ये जो पी की वैल्यू है यह एन की वैल्यू से ज्यादा होता है तो यह मेजोरिटी कंसंट्रेशन और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन का जो आपके पास तुलना है कंपैरिजन है उसमें पी एन से ज्यादा होता है लेकिन एन टाइप के सेमीकंडक्टर में एन जो है वो पी से ज्यादा होता है तो आपको यह सारी चीजें ध्यान रखनी है इसी प्रकार अगर हम लोग यहां पे मेजॉरिटी करंट की बात करें है ना अगर यहाँ पे हम मेजॉरिटी करेंट की बात करें यहाँ पे मेजॉरिटी करेंट किसकी वजह से होगा सर यहाँ पे करेंट मेजॉरिटी तो होल्स की वजह से होगा तो इसका मतलब है आई का फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो ये होता है पी क्यू म्यू पी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए गाने की तरह लगता है ना अरिजीत सिंह का गाना पी क्यू ई इन ए ऐसा और यहाँ पे आपके पास ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है और माइनॉरिटी करेंट की बात करें कि यहां पे माइनॉरिटी करेंट कैसा होगा तो यहां पे आई एन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा आपके पास एन क्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए ये आपका फॉर्मूला एन क्यू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए तो ये आपका फॉर्मूला है लेकिन आपको ये पता रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला तो है लेकिन आई पी की वैल्यू जो है वो आपके आई एन की वैल्यू से ज्यादा होगा क्योंकि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है कारण क्या है क्योंकि होल्स का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन से ज्यादा है आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कोई डाउट यहाँ पे अब बात करते हैं कुछ इसके आ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाहे आप इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें चाहे आप एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें जो लास्ट क्लास में पढ़ा है चाहे आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है और अगर आप इसको ज़ीरो कैलविन में स्टडी करते हैं तो ये सभी प्रकार का सेमी कंडेक्टर ज़ीरो कैलविन में इंसुलेटर होता है इंसुलेटर होता है ये कंडक्टर नहीं होता ये कंडक्ट नहीं कर पाता लेकिन यही चीज़ अगर आप एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर आप एन टाइप की बात करें या फिर आप पी टाइप की बात करें ये तीनों जो है ये तीनों जो है वो 300 हंड्रेड में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये तीनों कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स आपको मिल जाता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है यही वो रीजन है कि इसका नाम सेमी कंडेक्टर है क्योंकि किसी एक टेम्परेचर में ये इंसुलेटर है किसी एक टेम्परेचर में ये कंडक्टर है इसलिए इसका नाम रखा गया है सेमी कंडेक्टर तो आपको ये बात याद रखना है कि चाहे आप कोई भी सेमी कंडेक्टर ले ले एनी टाइप ऑफ सेमी कंडेक्टर करेंट फार्मूला इज सेम यस ओनली द मेजोरिटी और माइनॉरिटी करेंट कंसंट्रेशन चेंजेस यस फार्मूला तो सेम है सिर्फ मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन चेंज हो गया चाहे आप इंट्रेंसिक की बात करें चाहे एन टाइप की बात करें चाहे पी टाइप की बात करें फार्मूला करेंट का फॉर्मूला वही रहेगा राइट right, तो मैंने आपको बोला कि 300 हंड्रेड में एक कंडक्टर है तो आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए कि ऑल सेमी कंडक्टर एट जीरो कैलविन इज इंसुलेटर चाहे आप एन टाइप की सेमीकंडक्टर की बात करें या पी टाइप की सेमीकंडक्टर की बात करें ऑल सेमीकंडक्टर एट केल्विन इंसुलेटर ऑल सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन सभी कंडक्टर सभी सेमीकंडक्टर हंड्रेड केल्विन में कंडक्टर हो जाएगा ठीक है हिमांशु थैंक यू बेटा सभी सेमीकंडक्टर 300 केल्विन हंड्रेड में कंडक्टर हो जाएगा और सभी सेमीकंडक्टर ही इज माई ओल्ड स्टूडेंट और बड़ा प्यारा स्टूडेंट है और सभी सेमीकंडक्टर 300 केल्विन हंड्रेड में कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा राइट तो ये हो गया एक सेमीकंडक्टर की कहानी अब कुछ उसके चार्ज के बारे में बात करते हैं कि चार्ज क्या होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और वहां से हम एक नया इक्वेशन बनाएंगे जो कि न्यूट्रलिटी का इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल चार्ज तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो मान लीजिए आपके पास एक इंटरनसिक सेमीकंडक्टर है ठीक है एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है तो एक इंटरेंसिक सेमीकंडक्टर में आपको ये पता है कि आपके पास किसी भी टेम्परेचर में एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर में एट एनी टेम्परेचर क्योंकि आपने इसमें कोई और एटम से डोपिंग नहीं की तो किसी भी टेम्परेचर में आप ना हमेशा यहाँ पे एन की वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होल्स के कंसंट्रेशन के बराबर होता है और यही जो है वो आपके एन के बराबर होता है ये जो इंट्रेंसिक सेमी है ये न्यूट्रल होता है किसी भी टेम्परेचर में एट एनी टेम्परेचर इट इज़ न्यूट्रल अब न्यूट्रल क्यों है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव जितना है उतना ही इसमें पॉजिटिव भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है और हो का चार्ज पॉजिटिव होता है तो ये जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज एट एनी टेम्परेचर जो है वो न्यूट्रल होता है इसमें कोई चार्ज ही नहीं होता न्यूट्रल होता है लेकिन अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप की सेमीकंडक्टर की बात करें तो क्या आप बता सकते हैं कि उसका चार्ज क्या होगा तो वो भी न्यूट्रल होता है कैसे सर तो अगर हम लोग बात करें एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर की ठीक है एन टाइप के सेमीकंडक्टर की तो इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर की खास बात ये है कि इसमें आप जैसे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है अगर ए, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन का एटम है और तो कुछ नहीं है नहीं है यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर सिलिकॉन का एटम है और साथ में एक और एटम है प्लस आपके पास क्योंकि एन टाइप का सेमी है तो यहाँ पे आपके पास डोनर आइटम है जिसको आप फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर फिफ्टीन ग्रुप से लेते हैं तो आप देखिए ओरिजिनल में ये तो एटम है एटम का चार्ज क्या होता है भाई न्यूट्रल होता है तो ये जो न्यूट्रल है और ये जो है ये भी एटम है ये भी न्यूट्रल है तो एक्चुअली में इस सेमीकंडक्टर में कोई भी चार्ज नहीं होता क्योंकि आपने एटम को एटम में डोपिंग किया तो ये न्यूट्रल है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है आप कभी मत बोलिएगा कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर को कोई चार्ज होता है ये न्यूट्रल ही होता है लेकिन कई लोगों को इस पर डाउट होता है कि सर 300 हंड्रेड ये तो हम बात कर लिए कि चलो एन टाइप का सेमी कंडेक्टर जीरो कैलवीन में यहाँ यहां पे तो कोई भी टेम्परेचर में आपको ये मिल रहा है तो आपने बोल दिया कि कोई भी टेम्परेचर में ये न्यूट्रल ही है लेकिन इसकी बात किया जाए तो ये एटम तो सर आयोन बन जा रहा है ना तो आयोन बनने के बाद ये न्यूट्रल कैसे होता है यही बात को हम डिस्कस करेंगे है ना तो अभी जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंडक्टर उसमें एक एटम है सिलिकॉन का एटम उसमें डोनर एटम को डोप किए एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होने की वजह से वो न्यूट्रल होता है ये भी एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है ये न्यूट्रल है इसका मतलब है कि एन टाइप के सेमी कंडक्टर का को कोई चार्ज नहीं होता ये न्यूट्रल है ये न्यूट्रल है अब जब थ्री हंड्रेड कैलवीन आप करते हैं तो आपको ये पता है कि थ्री हंड्रेड कैलवीन में जब आप 300 हंड्रेड की बात करें और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें है ना एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें और 300 हंड्रेड की बात करें तो इस 300 हंड्रेड में जब आप एन टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपको ये पता है कि आपके पास जो डोनर एटम है उस डोनर एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया इसका मतलब है आप का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने क्या किया इसने डोनेट कर दिया अब ये किसको डोनेट किया अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये सेमीकंडक्टर को डोनेट करता है ऐसा नहीं कि निकल के इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से बाहर आ गया ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो ये किसको डोनेट किया उसी सॉलिड के अंदर ही ये सारी चीजें हो रही है इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गया किसको छोड़ के एटम को छोड़ के तो एटम बोला कि भाई मेरे में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो मैं बन गया पॉजिटिव चार्ज ये क्या बन जाता है ये एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज को हम एटम के बदले आयोन बोलने लगते हैं और अब ये जो है ये कहलाएगा डोनर आयोन इसका नया नाम हो जाएगा डोनर आयोन और ये जो डोनर आयोन है ये पॉजिटिव होता है और इसके साथ साथ हमको इलेक्ट्रॉन्स भी मिलता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एन है ये नेगेटिव होता है तो डोनर आयोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन डी प्लस से और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इस साइन से अगर एक है और काफ़ी सारा है तो कंसनट्रेशन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि एन जो है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है और एन डी प्लस जो है वो डोनर आयन है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो ये प्लस साइन से रिप्रेजेंट होता है तो जब भी हम एक डोनर एटम को किसी सेमी कंडक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसको हम ना ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है ध्यान से सुनते रहेंगे एक मेरे पास सेमीकंडक्टर है इस सेमीकंडक्टर में आपको ये रिप्रेजेंट करना है कि सर इसके अंदर जो है वो हमारे पास डोनर एटम था जो कि आयोन बन गया थ्री हंड्रेड में तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन के साथ ये आयोन बन गया है पॉजिटिव आयन और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये रिप्रेजेंट होता है डोनर एटम को जो आप कई बार रिप्रेजेंट करेंगे डोनर एटम को रिप्रेजेंट करता है अगर यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप बाहर भेज दिए तो ये आयोन बन जाता है उस समय ये पॉजिटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है लेकिन कुल मिला के ये जो सेमी है ये अभी भी न्यूट्रल है क्यों सर न्यूट्रल है इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि आप देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ये दोनों बराबर होंगे अगर एक और डोनर एटम अगर आप बना देते हैं तो उसका भी इलेक्ट्रॉन होगा तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो इसी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते इसी वजह से ये न्यूट्रल होता है कभी भी एक सेमीकंडक्टर किसी भी टेम्परेचर में कोई भी चार्ज नहीं लेता ये जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आता है लेकिन सेमीकंडक्टर से बाहर नहीं आता तो हमको किसका चार्ज पूछा जाता है सेमीकंडक्टर का तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो न्यूट्रल होता है ठीक है ये सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है इसी प्रकार अगर आप एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया और ये जो है ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है मान लेते हैं ऐसा है ना ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है मान लेते हैं ऐसा तो अगर ये एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर तो इसमें आपने डोपिंग क्या किया सिलिकॉन तो है ही सिलिकॉन के बारे में सोचना क्या है यहां पे हम लोगों ने डोप किया है एक्सेप्टर एटम को एक्सेप्टर एटम क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो एक सेमीकंडक्टर के अंदर एक होल क्रिएट कर देता है जब भी एक एक्सेप्टर एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो होल क्रिएट कर देता है तो ये जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एक नेगेटिव आयोन और उसके साथ एक होल ये जो है ये एक्सेप्टर एटम को रिप्रेजेंट करता है हम कई बार इसको यूज भी करेंगे आप ध्यान देना आगे के चैप्टर्स में एक्सेप्टर एटम को रिप्रेजेंट करता है तो ये एक्सेप्टर एटम में है क्या क्या चीज एक नेगेटिव आयोन है एक नेगेटिव आयोन है प्लस एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिटिव होल है आई एम सॉरी नेगेटिव आयोन है प्लस एक पॉजिटिव होल है ये दोनों मिलके आपका एक कंप्लीट एक्सेप्टर एटम को बना रहा है अभी अभी जैसे मैंने दिखाया कि अगर कोई एक्सेप्टर आयोन है वो आयोन इसलिए बनता है क्योंकि वो होल क्रिएट करता है उस सेमी के अंदर सेमी के अंदर होल क्रिएट करता है तो ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये क्या है ये आपका होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो कोई भी पूछे कि सेमी का चार्ज क्या है तो ऑलरेडी सिलिकॉन की वजह से वो न्यूट्रल था तो ये सब क्रिएट होने के बावजूद भी ओवरऑल ये सेमीकंडक्टर ये आयोन का चार्ज कोई नहीं पूछ रहा है आपसे या फिर होल का चार्ज कोई नहीं पूछ रहा है आपसे पूछा जा रहा है सेमीकंडक्टर का चार्ज क्या है अगर वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो आप बोलेंगे कि ये सेमीकंडक्टर जो है भाई साहब ये न्यूट्रल ही होता है किसी भी टेम्परेचर में बात कर ले तो ओवरऑल आपको अगर पूछा जाए कि एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर किस प्रकार का चार्ज लेके रखता है भैया वो न्यूट्रल होता है तो वो बोले कि 300 केल्विन में कैसा चार्ज होता है अरे थ्री हंड्रेड कैलविन में भी न्यूट्रल है क्योंकि 300 हंड्रेड कैलविन में भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होते हैं एक पी टाइप का सेमी कैसा चार्ज होता है सर पी टाइप का सेमी भी न्यूट्रल होता है सेमी न्यूट्रल होता है आपके पास आयोन का चार्ज हो सकता है या फिर आपके पास होल्स का चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो सकता है लेकिन सेमीकंडक्टर जो कि एक सॉलिड बॉडी को बोला जाता है वो न्यूट्रल होता है ऑल सेमी कंडेटर पी टाइप एन टाइप और इंट्रसिंग टेंडेटर एट ऑल टेम्परेचर आर न्यूट्रल यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या एक बार बता देंगे कमेंट में सेमी कंडेक्टर मतलब वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सॉलिड जो है वो न्यूट्रल ही होता है भाई चाहे किसी भी टेम्परेचर में बात करें चार्ज किसका होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का होता है चार्ज होल्स का होता है मतलब ऑफ आइदर इलेक्ट्रॉन्स होल्स ये सब चार्ज होते हैं लेकिन सेमी कंडर न्यूट्रल होता है ठीक है तो इसी के बेसिस पे दो चीजें आगे आएंगी एक है न्यूट्रलिटी इक्वेशन दूसरा है मास एक्शन लॉ न्यूट्रलिटी इक्वेशन और मास एक्शन लॉ इन दोनों को यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि गेट में प्रीवियस ईयर में आए हैं ठीक है थीके? तो हम कल की क्लास का वेट करते हैं कल आप फिर से आइए क्लास अटेंड कीजिए मैं आपको इससे रिलेटेड इक्वेशंस क्रिएट करके दूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे है ना अभी जो मैंने आपको थ्योरी बताया वो ए जेई के एग्जाम में काम आएगा गेट के कंसेप्ट को समझने में काम आएगा आपके इसरो के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि सेमीकंडक्टर कंडेक्टर एन टाइप का किस प्रकार का चार्ज होता है तो आप लिख देंगे नेगेटिव गलत हो जाएगा पी टाइप का किस प्रकार का चार्ज होता है लिख देंगे पॉजिटिव गलत हो जाएगा फिर वो कोशिश करेगा कि किसी एक टेम्परेचर में पूछ के इसको कन्फ्यूज़ करके देखता हूँ तो थ्री हंड्रेड कैलविन में पूछेगा कि एन टाइप का सेमी कंडक्टर कैसा है तो आप ये थाट में रखेंगे कि थ्री हंड्रेड कैलविन है अब जो है वो एन टाइप का सेमी कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है होल्स कम है तो वो एन टाइप का है तो वो नेगेटिव चार्ज होगा तो ये सारे थाट्स जो है वो गलत हो जाते हैं अगर आपको ये लेक्चर लग रहा है कि आपके कुछ काम का है तो इसको शेयर ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखे हैं और आपको लगता है कि ये आपके काम का है तो इसको लाइक like भी ज़रूर कीजिएगा मैं वेट करूँगा आपका नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप सभी फॉलो कीजिए मेरे प्रीवियस जो भी प्ले में लेक्चर है एक से ले बारह तक और ये तेरहवा लेक्चर ज़रूर से आपने देखा होगा अगर यहाँ तक आप मेरी बात सुन रहे हैं तो Thank you, bye bye, take care and meet you again in the next class. Till then, bye.